नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार परिचारी सहायक बहाली के बारे में। दोस्तों बिहार में जो है परिचारी सहायक के पदों पे जो है आप लोगों का नई बहाली यहाँ पे होने वाली है। इसको लेकर आप लोगों का जो यहाँ पे सूचना है वो बहुत दिन पहले आप लोगों का जारी किया गया था, लगभग एक साल पहले जो है आप लोगों का इसका सूचना यहाँ पे जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों इस बहाली के लिए अभी जो यहाँ पे कुछ और अपडेट जारी किया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये जो परिचारी सहायक का बहाली होने वाला है ये बिहार के जितने भी आप लोगों का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यहाँ पे विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में आप लोग यहाँ पे होने वाला है। यानी कि जितना भी स्कूल है सभी स्कूल में आप लोग का ये जो बहाली है वो आप लोग का होने वाला है। ये आप लोग का पंचायत स्तर की बहाली होने वाली है, यानी कि पंचायत लेवल पर इसका जो भर्ती है वो आप लोग का होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो योग्यता है वो यहाँ पे मैट्रिक इंटर पास रखा गया है, यानी कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक और इंटर पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप लोग का अभी सूचना जारी किया गया, किस प्रकार से आप लोग का पद यहाँ पे रखा गया, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहता है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को परिचारी सहायक जो बहाली है इसके बारे में भी जानकारी देता हूं कि ये बहाली है क्या और किस तरीके से आप लोग का योग्यता यहां पे रखा गया है और किस प्रकार से आप लोग का पद होने वाला है। उसके बाद मैं आप लोग को यहां पे बताऊंगा कि क्या क्या आप लोग यहां पे जो अपडेट जारी किया गया है। तो यहाँ पे परिचारी सहायक बहाली के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उस पर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का आप लोगों का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देख पाओगे बिहार परिचारी सहायक वैकेंसी 2022, यहाँ पे आप लोग का लेटेस्ट जॉब का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार परिचारी सहायक वैकेंसी 2022, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप जो इस पोस्ट पे आ सकते हैं। उस पर आपको नीचे करना है। यहाँ पे जो टोटल आप लोगों का पद रहने वाला है दोस्तों वो 19,263 पद आप लोगों का रहने वाला है जिसमें कि ये बहाली आप लोगों का होने वाला है। आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी देगा, यहाँ पे आप लोगों का जो ये पद है वो आप लोगों का विद्यालय परिचारी और सहायक का यहाँ पे पद रखा गया है। नीचे आप कीजिएगा तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप सहायक के लिए आवेदन करना चाहते तो अगर आप इंटर पास हैं साथ में 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप परिचारी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का 10th पास होना चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। उस पर यहाँ पे अनुकंपा के बारे में जानकारी दिया गया, तो यहाँ पे जो आप लोगों का 50% सीट है वो आप लोगों का यहाँ पे जो है अनुकंपा वाले का रहने वाला है। यानी कि जिनके यहाँ पे जो माता पिता पहले से यहाँ पे जो है आप लोगों का जॉब में थे उनका यहाँ पे जो मृत्यु हो गया है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उस पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे सहायक के लिए 16,500 रुपए आप लोगों का सैलरी मिलने वाला है और यहाँ पे परिचारी के लिए आप लोगों का 15,200 रुपए यहाँ पे जो सैलरी है वो आप लोगों का रहने वाला है। नीचे आप लोगों का इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में जानकारी दिया गया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का जो अपडेट है वो क्या जारी किया गया। मैंने आप लोगों को इस बहाली के बारे में जानकारी दे दिया है कि क्या ये बहाली है और किस तरीके से आप लोगों का योग्यता रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पेपर कटिंग है, ये आज ही का आप लोगों का पेपर कटिंग है। यहाँ पे आप देख लीजिए 4 अक्टूबर का आप लोगों का पेपर कटिंग है और यहाँ पे आप लोगों का जानकारी देगा दोस्तों कि 19,263 विद्यालय सहायक और परिचारी की होगी सीधी भर्ती। यानी दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों का बहाली होने वाला है इसमें कोई भी आप लोगों का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये जो है आप लोगों का डायरेक्ट वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को बता दोस्तों कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा के तहत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकाय के तहत स्वीकृत पद पर 50% नियुक्ति अनुकंपा से की जानी है। पदों का नियोजन के आधार पर भरा जाएगा, शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके लिए पद सृजित किए गए हैं। विद्यालय सहायक एवं परिचारी के स्वीकृत पद पर सीधे नियुक्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के पहले कैबिनेट से जल्द मंजूरी ली जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का जो 50% है वो अनुकंपा वाले हैं और अनुकंपा वाले कहाँ पे अलग अलग समय पे आप लोग का आवेदन जिलों के माध्यम से यहाँ पे लिया गया था, यानी कि अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे जो आप लोग का आवेदन है वो यहाँ पे शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का बताया दोस्तों कि वर्तमान में इन पदों पर केवल अनुकंपा से नियुक्ति चल रही है। जानकारी हो कि प्रदेश के उत्क्रमित 6,421 +2 विद्यालय में विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है अभी कुछ कुछ जिलों में आप लोग का यहाँ पे जो आवेदन है वो चल रहा है, जो नियोजन आप लोग का है वो चल रहा है, लेकिन अनुकंपा वाला यहाँ पे जो आवेदन है वो आप लोग का चल रहा है। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया है दोस्तों कि प्रत्येक उत्क्रमित स्कूल में 2-2 परिचारी और 1-1 विद्यालय सहायक का पद सृजित किया जा रहा है। इस तरह इन दोनों पदों के लिए कुल 19,263 पद सृजित किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि सभी उत्क्रमित स्कूल में आप लोग का 2 परिचारी और 1 सहायक का जो पद है वो आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और इसी प्रकार से सभी जिलों में आप लोग यहाँ पे जो बहाली है सभी स्कूल में जो है आप लोग का बहाली यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपडेट जारी किया गया कि यहाँ पे जो आप लोग का अनुकंपा वाला है उसका आवेदन शुरू हो गया है और यहाँ पे जो
50% यहाँ पे जनरल वाले हैं, यानी कि कोई भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, तो उनका आवेदन जल्द आप लोग का शुरू होने वाला है और इसका जो आप लोग का सूचना है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक किया इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।